भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि समिट के पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र पर 73 मुद्दों पर नेताओं की आम सहमति बन गई है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी शामिल है। घोषणा पत्र पर आम सहमति को भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि अब तक की मीटिंग में घोषणा पत्र पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन G20 सम्मेलन के लिए जब लगभग सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे, तो पहले ही दिन शनिवार को 37 पन्नों का दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन युद्ध जैसा प्रमुख मुद्दा भी शामिल था। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सम्मेलन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनाई गई भाषा बाली शिखर सम्मेलन से अलग है। दरअसल बाली सम्मेलन में यूक्रेन में रूस के युद्ध की कड़ी निंदा की गई थी। पिछले साल जारी किए गए बयान की तुलना में इसकी भाषा नरम है। इसमें रूस का भी जिक्र नहीं है। इसकी भाषा को अस्पष्ट रखी गई है। इसी को लेकर सम्मेलन के दौरान हुए एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सवाल किया गया। एक विदेशी पत्रकार ने जयशंकर से यूक्रेन युद्ध पर बाली दस्तावेज से दिल्ली घोषणा में भाषा में बदलाव के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. Bali was a year ago. बाली घोषणा के साथ तुलना की बात पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाली बाली था और भारत भारत है। बाली में जो हुआ वो एक साल पहले हुआ, तब की परिस्थिति अलग थी। तब से लेकर आज तक कई बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घोषणा पत्र में भू राजनीतिक पर 8 पैराग्राफ लिखा गया है। इसमें यूक्रेन युद्ध पर अकेले 7 पैराग्राफ है। इसमें कई ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से दर्ज किया गया है जो यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन संकट पर सहमति बनाने में मदद करने वाले देशों के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, हर कोई आम सहमति बनाने के लिए एक साथ है, लेकिन उभरते बाजारों ने इस पर विशेष नेतृत्व किया और हम में से कई लोगों के पास एक साथ काम करने का एक मजबूत इतिहास है। वास्तव में G20 की अध्यक्षता के लिए लगातार 4 विकासशील देश हैं, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख तटस्थ रहा है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का नाम लिए बिना कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।